नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे रियल लाइफ में विलेन का रोल निभाने वाले और रियल लाइफ में आम लोगों के जनमानस में एक हीरो के रूप में उभर कर सामने आए सोनू सूद के बारे में। सोनू सूद कोरोना महामारी के दौरान लोगों की मदद करने के लिए मीडिया में खूब सुर्खियों में रहे और उन्होंने लाखों लोगों की मदद की और लोगों ने उन्हें खूब दुआ भी दिया। ऐसे में आज हम जानेंगे बिहार की नेहा ने सोनू सूद को अपनी शादी में आने के लिए निमंत्रण कार्ड भेजा है, जिसे सोनू सूद ने स्वीकार कर लिया है। कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों की मदद करने वाले सोनू सूद एक बार फिर से मीडिया में चर्चा में हैं। इस बार सोनू सूद नेहा की शादी का आमंत्रण स्वीकार करने को लेकर सुर्खियों में हैं। आपको बता दें कि नेहा बिहार के भोजपुर जिले के नवादा थाना क्षेत्र के करमन टोला की रहने वाली है। उन्होंने अपनी शादी का कार्ड फिल्म स्टार सोनू सूद को ट्वीट कर भेजा है। नेहा के इस ट्वीट पर सोनू सूद ने रिप्लाई किया है। नेहा ने अपनी शादी का कार्ड सोनू सूद को ट्वीट किया, जिस पर रिप्लाई देते हुए उन्होंने लिखा है कि चलो बिहार की शादी देखते हैं। इसके बाद नेहा ने रिप्लाई देते हुए लिखा कि सर आपका इंतजार रहेगा। इससे पहले नेहा ने ट्विटर पर सोनू सूद को अपनी शादी का कार्ड ट्वीट करते हुए लिखा कि शादी में आपके आने से मैं दुनिया की लकीस्ट गर्ल बन जाऊंगी। उन्होंने लिखा कि आई वेट फॉर यू सर। इसी ट्वीट के जवाब में सोनू सूद ने लिखा कि चलो बिहार की शादी देखते हैं। आपको बता दें कि सोनू सूद कोरोना काल में असहाय लोगों की मदद करने को लेकर मीडिया में खूब चर्चा में रहे। कोरोना काल के दौरान लोगों की मदद करने के लिए सोनू सूद की भारत समेत विश्व की मीडिया में चर्चा हो रही थी। कोरोना महामारी को लेकर जिन लोगों ने सोनू सूद से मदद मांगी, सभी को सोनू सूद और उनकी टीम ने मदद की। इससे पहले नेहा ने 1 सितंबर 2020 को एक ट्वीट किया था कि लॉकडाउन की वजह से दिल्ली एम्स में मिली तारीख पर सर्जरी नहीं हो पाई। नेहा ने इस ट्वीट को सोनू सूद को टैग करते हुए आग्रह किया कि किसी तरह से एम्स में सर्जरी की तारीख दिलवा दे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद सोनू सूद ने नेहा के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए 5 सितंबर को लिखा कि आपकी बहन हमारी बहन है, उनका अस्पताल में इंतजाम करवा दिया गया है, उन्हें ठीक करवाने का जिम्मा मेरा। इसके बाद सोनू सूद ने ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में हाइपोइक मास इन पेनक्रियाज यानी कि पेट में दर्द की सफल सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद नेहा की बहन दिव्या सहाय स्वस्थ है। सोनू सूद के द्वारा किए गए मदद के बाद नेहा और उनके पूरे परिवार ने सोनू सूद को धन्यवाद दिया है। नेहा ने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने सोनू सूद को धन्यवाद किया था। अब बात कर लेते हैं नेहा के बारे में। नेहा आरा शहर के करमन टोला की रहने वाली है। उनके पिता का नाम उमा शंकर सहाय है और उनकी बेटी नेहा की शादी 11 दिसंबर 2020 को होनी है, जिसके लिए उन्होंने सोनू सूद को ट्वीट करते हुए आमंत्रण पत्र भेजा है और सोनू सूद ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। सोनू सूद अब नेहा की इच्छा को पूरी करने के लिए उनकी शादी में बिहार आएंगे। ऐसे ही ताजा तरीन वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।